क्या आप जानते हैं पान या गुटखे में जो सुपारी हम या आप खाते हैं वो आती कहाँ से है और उसकी खेती कैसे होती है? चलिए न्यूज पोर्टली के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही कुछ ऐसे तथ्य भी बताते हैं जो शायद ही आप जानते हों। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे रोचक और काम के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। साथियों, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सुपारी पैदा करने वाला देश है और हाँ, भारत में ही सबसे ज़्यादा सुपारी खाई भी जाती है। भारत में बड़े पैमाने पर सुपारी की खेती होती है। इसके पेड़ बांस की तरह पतले और कई मीटर लंबे होते हैं और कुछ कुछ नारियल के पेड़ की तरह दिखते हैं। कर्नाटक, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सुपारी की खेती होती है। इसका पेड़ 70 साल से ज्यादा समय तक फल देता रहता है। एक बार में एक पेड़ से करीब 30 किलो फल मिलते हैं, जिससे साल में 1 से 2 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है। सुपारी को अंग्रेजी में एरेका नट या बीटल नट भी कहते हैं। कर्नाटक, असम, मेघालय आदि राज्यों में घर घर में आपको सुपारी के पेड़ दिख जाएंगे, जबकि जिनके पास जगह होती है वो बकायदा सुपारी के बाग लगाते हैं। आपको बता दें कि सुपारी में जून जुलाई में फ्लावरिंग शुरू होती है और अक्टूबर तक फल टूटने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर किसान इसके फल को तोड़ने या फिर गिरे फूलों को समेटने के बाद कारोबारियों को बेचते हैं जो इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग से पहले ग्रेडिंग और प्री प्रोसेसिंग भी की जाती है। शायद ही आपको पता हो कि सुपारी का फल नारियल की तरह सख्त होता है, इसलिए इसे निकालने से पहले कई दिन या फिर कई महीने तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। जब ऊपर का रेशेदार छिलका बिल्कुल मुलायम हो जाता है, फिर इसको खोलकर सुपारी निकाल ली जाती है। सुपारी में कई औषधीय गुण भी होते हैं। असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सादे पान में बेहद कम चूने के साथ इसे खाने का चलन है। यहाँ इसे तांबूल कहते हैं। असम में पैदा होने वाली सुपारी मुलायम और मेघालय में होने वाली सुपारी सख्त होती है। उत्तर भारत में पान के अलावा गुटखे में सुपारी का बहुत चलन है। हालांकि ज्यादा सुपारी खाना सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। भारत में सुपारी की खेती व्यावसायिक रूप ले चुकी है। सुपारी पर शोध के लिए केरल के कासरगोड में स्थित केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान यानी CPCRI ने कुछ ऐसी किस्में भी विकसित की हैं जिनसे देश के किसी भी हिस्से में इनकी खेती की जा सकती है। न्यूज पोर्टली का ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।